अमरोहा जनपद के गजरोला थाना क्षेत्र ब्रजघाट गंगा धाम में बच्चों के मुंडन कराने आए एक ही परिवार के 10 लोग गंगा में डूब गए। स्नान के दौरान युवकों को डूबता देख लोगों ने शोर मचा दिया, जिसमें मौके पर मौजूद लोगों ने वह मुश्किल 3 युवकों को बचा लिया। 7 युवक गंगा में डूब गए। आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गोताखोरों को दी और मौके पर बुलाया। मौके पर आए गोताखोरों ने ढूंढने का प्रयास किया। काफ़ी देर बाद 4 युवकों के शव निकाले। कुछ ही देर बाद एक युवक का और शव मिला। पता चला कि उन 5 की मौत हो चुकी थी। वहीं ब्रजघाट गंगा में 2 युवकों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। 5 एक ही परिवार के 5 युवकों की मौत से गांव में मातम सा छा गया। आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सभी ग्रामीण उन युवकों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शायद अब ये जीवित नहीं रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी युवकों के शव को अमरोहा मोर्चरी भिजवा दिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। गोताखोर 2 युवकों की तलाश में जुटे हुए हैं। अभी तक 2 युवकों की शव नहीं मिल पाए हैं। परिवार के लोगों में मातम सा छाया हुआ है। ये तो आपके गंगा नहर में डूबे हैं, ये गजरोला क्षेत्र में ब्रजघाट के पास कुछ बच्चे किसी संस्कार में आए हुए थे, लगभग 20-22 साल के बच्चे। इनके डूबने की सूचना मिली, गोताखोर ने 2 बच्चों को बचा लिया है। 5 बच्चे डूब गए थे जिनको बरामद किया गया है, उनको प्राथमिक इलाज के लिए भेजा गया है। उनकी क्या कंडीशन है अभी, बिल्कुल उनकी अभी कंडीशन के बारे में ठीक से पता नहीं है। उनके जब चिकित्सक के सामने जाने के बाद उनकी स्थिति के बारे में बताया जा पाएगा। अचेतन अवस्था और इसके अलावा भी बताया गया है कि संभवतः 2 बच्चे और हो सकते हैं जिनके संबंध में छानबीन कराई जा रही है। अभी तक की सूचना के अनुसार 7 बच्चे के डूबने की सूचना मिली थी, जिनमें से 2 को बचाया जा चुका है, 5 को इलाज के लिए भेजा गया है। उनकी क्या अंतिम स्थिति होती है वो डॉक्टर से कंफर्मेशन के बाद हम आपको बताएंगे। प्रथम दृष्टया सर पता लगा होगा ये लोग कि वहाँ पर क्या करने गए। ये किसी संस्कारिक कार्यक्रम था, संस्कार का कोई कार्यक्रम था, उसी में गए थे। उसके बाद वो नहाने लगे थे बच्चे, उसी में ये घटना घटी है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।